नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से होने वाली मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है, जो काफी चिंताजनक है। दिल्ली में कोरोना का कहर, मौत के आंकड़े डरा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। यहां वायरस संक्रमण के नए मामलों में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई है, तो कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया है, जो चिंता की बात है। पिछले 24 घंटों में यहां 27,561 नए मामले सामने आए हैं, जो कि 20 अप्रैल 2021 के बाद से एक दिन में आए सबसे ज्यादा मामले हैं, जबकि पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 26.22% हो गया है, जो 5 मई 2021 के बाद सबसे ज्यादा है, जब पॉजिटिविटी रेट 26.36 था। पिछले 24 घंटों में कोरोना से यहां 40 मरीजों की मौत भी हुई है, जो कि 10 जून 2021 के बाद से एक दिन में मौतों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पिछले 4 दिनों की ही बात करें तो सिर्फ इन 4 दिनों में कोरोना की वजह से दिल्ली में 97 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में मौत के बढ़ते आंकड़ों पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि ज्यादातर लोग जिनकी मौत कोरोना से हुई है वो या तो ज्यादा उम्र वाले थे या कोमोरबिड वाले मरीज थे। डेथ हो रही है वो कोमोरबिडिटीज की वजह से है, ज्यादा जो लोगों को दूसरी बीमारियां थी, गंभीर बीमारियां थी, उनकी वजह से ज्यादा डेथ है। जैसे कि कल LNGP में हम गए तो ICU में 36 पेशेंट थे, सबका हमने डिटेल ली, तो 6 पेशेंट थे प्योर कोरोना की वजह से और 30 पेशेंट्स थे उनको डायलिसिस पे थे या तो किडनी डिजीज थी, कैंसर था, इस तरह की गंभीर बीमारियां थी, तो वो 30 पेशेंट दूसरी बीमारियों की वजह से थे। अब उसमें से मतलब जो डेथ हो रही है वो भी ऐसे ही है कि कोई ना कोई गंभीर बीमारी है, उनकी वजह से हो रही है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में कोरोना की रफ्तार के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो 6 जनवरी को 15,097 केस आए, जबकि संक्रमण दर 15.34 था। 7 जनवरी को 17,335 केस और संक्रमण दर 17.73। 8 जनवरी को 20,181 नए केस, संक्रमण दर 19.6। 9 जनवरी को 22,000 केस सामने आए, संक्रमण दर 25.65 और 12 जनवरी को 27,561 नए केस सामने आए, जबकि संक्रमण दर 26.22 हो गया। हालांकि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए दिल्ली में DDMA के आदेश के बाद सख्ती लागू कर दी गई है, नाइट कर्फ्यू भी जारी है, लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल फिलहाल दिल्ली में लॉकडाउन लगाने के मूड में नहीं है। ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस बहुत 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 मजबूरी में लगाने पड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे लिए दोनों को बैलेंस करना बहुत डेलिकेट है। एक तरफ लोगों के रोज़गार पे बनी हुई है, अगर आप रिस्ट्रिक्शंस लगा दें तो लोगों के रोज़गार पे आ जाती है, और दूसरी तरफ अगर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं तो आपकी सेहत और आपकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि रिस्ट्रिक्शंस को जितना जल्दी हो सकेगा हम उठा देंगे और कम से कम समय में और कम से कम रिस्ट्रिक्शंस लगाने। नए केस की संख्या बढ़ने के बावजूद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि कोरोना केस जरूर बढ़ रहे हैं लेकिन इसकी गंभीरता कम है, जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन कम हो रहा है, लेकिन अगर केस और बढ़ते भी हैं तब भी दिल्ली के अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। मेडिकल एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि कोरोना के मौजूदा दौर में केस तेजी से बढ़ सकते हैं लेकिन इनमें कमी भी तेजी से ही आएगी। इसके साथ ही इस बार मृत्यु दर भी पहले की तुलना में कम रहेगी। इस बार ये वेव बहुत तेज़ी से आएगी और बहुत तेज़ी से निकल जाएगी। नंबर ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होंगे जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, लेकिन जैसा पहले अनुमान था कि सीवियरिटी नहीं है, ज़्यादा मॉर्टेलिटी मृत्यु ज़्यादा नहीं है या बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से लोग ज़्यादा बीमार नहीं होंगे। लेकिन फिलहाल तो सच यही है कि नए केस की संख्या लगातार बढ़ रही है, संक्रमण दर भी बढ़ रहा है, बीमारी के कारण मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ा है। ऐसे में हमें ढिलाई कतई नहीं करनी और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते रहना है, क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए खुद की सुरक्षा ही एकमात्र उपाय है। टीम न्यूज़ नेशन।